नियम तो नियम होते हैं। We
सफलता करने वाले धन श्री गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन काल विच कीतियां उदासियां दे नाल कीता जा सकता है।
बहुत ही आदरणीय टोहाना दे विधायक, बहुत ही मान ते सम्मान योग साडे विच आए हुए बाबा पटना साहब दे ज्ञानी जथेदार जी ज्ञानी इकबाल सिंह जी, तुहाडे अपने ही चिल्ला साहब गुरद्वारा दे सेवादार बाबा अजीत सिंह जी, साडे मंच दे विराजमान महंत करमजीत सिंह जी यमुनानगर वाले, साडे विच आए हुए राष्ट्रीय सिख संगत दे दिल्ली तो बोले माननीय मुख्यमंत्री जी, जब असीं इन्हां कोल लंगर दे इंतजाम वास्ते पुजे, इन्हां ने एक बारी भी ऐसी गल नहीं कीती कि सानूं दोबारा बेनती करनी पवे। इन्हां का जाए बेफिक्र हो, संगत भी आएगी, लंगर भी मिलेगा। हुण मैं बेनती करना माननीय मुख्यमंत्री नूं, बाबा कश्मीर सिंह दनौंदे वाले फतेहबाद जिन्हां दा पूरा ग्रुप दूसरे लंगर लगा रहा सी, बेशक उहदे अंदर बहुत सारे संतां दा सहयोग है, पर मैं बेनती करांगा बाबा कश्मीर सिंह दनौंदे वाले नूं अगे आउण। बाबा गुरमीत सिंह तलोके आए जिन्होंने बड़े शिद्दत और प्यार नाल लंगर ही नहीं लगाया, सानू पिंड पिंड नाल जाके गुरुद्वारिया दे के संतां नूं भी मिलवाया, और साडा इस सारे कार्यक्रम का तीनों महापुरशां ने स्वागत किया, मार्गदर्शन किया, प्यार किया। श्रीमान मनोहर लाल जी,
साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। सब तो पहला तो मैं सारी साध संगत को गुरु नानक देव जी का जरा 550 साल जन्मोत्सव वर्ष हरियाणा सरकार की तरफों मनाया जा रहा है, देश की लख लख बधाइया देना कि साढ़े हरियाणा प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इस गल की मैं बहुत बहुत बधाई भी देना है, उन्होंने धन्यवाद भी करना है कि उन्होंने हरियाणा प्रदेश की कमान संभालने तो बाद साढ़े जिन्ने भी साधु संत के महापुरुष जिन्होंने समाज की एकता लिए उत्थान लिए काम किया है, उन्हां दी यादगार उन्होंने मनाने की एक विराली शुरुआत की है। तो तुम देखे कि पहला उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी का 350 साल जन्मोत्सव पूरे हरियाणे के पूरी धूमधाम के मनाने का काम किया। अच गुरु नानक साहब का 550 साल प्रकाश पर्व मनाने का काम किया है। गुरु नानक साहब जेडे बहुत बड़े अवतार सी, मैं तो कहना वो ईश्वरीय वरदान से साडे वास्ते, उन्होंने जे समय दे विच इस धरती ते जन्म लिया। आपां जाणदे हां कि किन्नी बुराइयां किन्नी असमानता ते किन्ने अत्याचार साडे समाज दे उत्ते होंदे सी, उहदी समाप्ति वास्ते उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी लगाई। ये समाज की एकता वास्ते जेड़ा संदेश उन्होंने दिता, वो संदेश साडे वेदा च भी असी पढ़न सानू मिलता है, असी सुनते रहे हैं। वेदा दे विच गल कही सी एको अहम बहुश्यामि, यानी कि मैं इस कितने स्वरूपों में दिखाई दूं लेकिन मैं एक ही हूं। और उनके वाणी में हमें सुनने पढ़ने को मिलता है एक दूजी बहु लख होए, लख होए लख बीस, लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश। यानी कि भगवान एक ही है, जो दो से दो लाख, बीस लाख, अरब अरब कितने नाम से कितने प्रकार से जाना जा सकता है, लेकिन वो एक है। इस बात को मानने वाले गुरु नानक साहब हमारे बीच में। बहुत सारी बातें उन्होंने कही,